हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो है जी कियानो कॉलेज के बारे में। ये ओपन है इस टाइम सितंबर इनटेक के लिए। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, चाइल्ड केयर सर्टिफिकेट डिप्लोमा और प्रैक्टिकल नर्सिंग भी अवेलेबल है। कॉलेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लीजिए। अगर आपको मेरी कोई भी बात समझ में आ रही हो, आज की रिक्वायरमेंट 6 ईच की है एंड बेसिकली इसकी एप्लीकेशन फीस 105 है। लोकेशन प्रोविंस अल्बर्टा में लोकेटेड है एंड जो प्रोग्राम्स और अवेलेबल हैं यहाँ पर वो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा, बिजनेस एविएशन डिप्लोमा, इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी डिप्लोमा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्रोग्राम एंड सोशल वर्क का डिप्लोमा, ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्बर्टा को कॉलेजेस ढूंढते होते हैं, मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे, बट आज चलो एक और ऐड ऑन हो गया। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज़ हमें मेल कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी मेंशन है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली स्कैन करके ईमेल कर दीजिए। कॉलेज जैसे कि अब दिसंबर का महीना है जी, ओपन हो चुका है, तो जाहिर सी बात है जल्दी फिल भी हो जाएगा। जो जो कॉलेजेस सितंबर के पहले ओपन हो रहे हैं, मतलब ये फिल हो जाएंगे, तो प्लीज़ अपनी विंडो शॉपिंग ना कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपका आईएलटीएस वैलिड है और आपका रिलेटेड प्रोग्राम है और आप अल्बर्टा में जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ अप्लाई कर लीजिएगा ऑन टाइम, क्योंकि बाद में सीट नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वीडियो देखते हैं और फिर 2-3 हफ्ते बाद कांटेक्ट करेंगे, सर हमने अप्लाई करना था, भाई भैया तब तक बंद हो चुका होगा। तो प्लीज़ अगर आपका मन हो ऑन टाइम अप्लाई कर लीजिए। एंड अगर आपको जानना हो कि मेन टेक लिए और कौन से कॉलेजेस ओपन हैं, तो यहाँ पर जो आई बटन में लिंक होगा देख लीजिएगा। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वॉन्टेड रिक्वेस्ट यू, वैसे मुझे पहले मैं पहले करता था बट अब मैं बाद में कर रहा हूँ कि लोग भी बड़े कमेंट ओवर करने लग गए हैं कि क्यों बोल रहे हो। तो हमारे जी पंजाब में, पंजाब के लोग तो नहीं, सभी किसान जो मेजरली पंजाब हरियाणा और बाकी यूपी से भी आ गए हैं, राजस्थान से भी आ गए हैं, एमपी से भी आ रहे हैं, आ चुके हैं, वो सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेटेस्ट फार्म लॉस के ऊपर। और डेली टेम्परेचर गिर रहा है, डेली मौतें हो रही हैं, रोज़ आए दिन किसी न किसी की ठंड की वजह से डेथ हो जाती है। एंड मोर ओवर जैसे भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये 17 को कर रहा हूँ, तो 16 को संत बाबा राम सिंह जी थे, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। सुसाइड तो नहीं कह सकते उसको, बट उन्होंने अपनी जान ले ली, उनसे दुख नहीं देखा गया। एंड उनकी अपने जान लेने का इंटेंशन ये था कि शायद सरकार पर कुछ प्रेशर बने और वो जल्दी इन किसानों को इनकी बातें माने और ये अपने घर को जाएं, क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं ना वो ज़मीनों के मालिक हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, और उनके पास सब कुछ है बट फिर भी वो फुटपाथ पे सो रहे हैं। आई नो आप इंटरनेट देखते हो, इंटरनेट में आपको सोने का बढ़िया वो इंतज़ाम एंड सब कुछ दिख रहा है, बट वो कुछ 100 लोगों के लिए है, वहाँ पर हज़ारों और आने वाले दिनों में लाखों लोग, ऐसे लिटरली लाखों लोग ऑलरेडी हैं ऑलरेडी वहाँ पर, और इतना सोने का इंतज़ाम नहीं है वहाँ पर, कुछ हद तक है। अगर आपको नहीं यकीन हो आप जाएँ देखें, आपको पता लग जाएगा। और जो बैठा है ना वो किसान है, वो अन्न उगाता है, तो जाहिर सी बात है जो सारे देश के लिए अन्न उगा सकता है वो लंगर भी लगा ही सकता है। सिर्फ ये पंजाब वाले नहीं, हरियाणा बैठा हुआ है वहाँ पर, और भी सारे किसान हैं, वो उगाते हैं, वो अगर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं फिर भी सबको खिला रहे हैं वहाँ पर। इतना बड़ा दिल आप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, और आपको लोगों को लगता है कि जो उनको क्या मिसगाइड किया गया है, तो आप जाइए देखिए, जाके बात कीजिए। कोई तो वहाँ पर आपको ये भी नहीं बोलेगा कि जो हम किसान लीडर की वजह से आए हैं, वो बोलेंगे हम अपनी ज़मीनों के लिए आए हैं, हम अपने हक के लिए आए हैं कि हमें नहीं पसंद। तो जिन लोगों को नहीं पसंद उनके ऊपर ये लॉ थोपा गया, तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनकी सपोर्ट करें ताकि जल्दी से जल्दी उनका जो भी वो चाहते हैं, बेसिकली लॉ रद्द चाहते हैं, जो भी उनकी डिमांड्स बनती है उनको पूरा किया जाए और अपने वो घर जाएं एंड ये चीज़ें जल्दी से ख़त्म हो। एंड हाँ, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, शायद मैंने रिपीट कर दिया हो बट एनीवेज आई बोल दिया और दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करते हो, कमेंट का मैं रिप्लाई कर सकता हूँ बट थोड़ा टाइम लग जाता है। बट अगर आप मुझे डेली फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मैं लाइव होता हूँ रोज़ सुबह, ऑन डेली बेसिस आप मुझे वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड सो फार अगर आपको वीडियो ठीक लगी है और हेल्पफुल लगी हो आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।